इटली की 101 साल की मारिया और सिंघेर ने एक नहीं तीन बार कोरोना वायरस को मात देकर डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया है। मारिया 9 महीने में 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुई और हर बार स्वस्थ होकर घर लौट आईं। मारिया पहली बार फरवरी में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर ने साफ सफाई को लेकर देश के सामने एक मिसाल पेश की है। 4,458 घरों वाला इंदौर का वार्ड 73 देश का पहला जीरो वेस्ट और जीरो डस्ट वार्ड बन गया है। यहाँ के 600 घर ऐसे हैं जहाँ गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। सूखे कचरे को 2.5 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। कोरोना काल और आर्थिक मंदी के बीच आईआईटी कानपुर से अच्छी खबर आई है। यहाँ के एक छात्र को विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी ने 1,47,00,000 रुपए के पैकेज का ऑफर दिया है। कोरोना महामारी के कारण पूरा प्लेसमेंट ड्राइव ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें देश विदेश की 60 कंपनियां आई हुई हैं। पहले ही दिन करीब 200 छात्रों को जॉब ऑफर मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में वर्ल्ड क्लास प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। 100 ऑक्टेन पेट्रोल बेचने वाले कुछ देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। शुरुआती दौर में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में IOC के आउटलेट पर ये पेट्रोल मिलेगा। नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल कोरोना शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बिहार के 15 साल के बच्चे की फिल्म द मास्क सेलेक्ट हुई है, जो 3 मिनट की है। और जिस बच्चे ने फिल्म बनाई है उसका नाम संटू है और वो एक ड्राइवर का बेटा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 6 राज्यों में कमजोर तबके के 100 बच्चों के इलाज में मदद की। ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। सचिन ने एकम फाउंडेशन के साथ मिलकर इन बच्चों का इलाज करवाया। इन सभी बच्चों का इलाज सरकारी और ट्रस्ट के अस्पतालों में करवाया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।